वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर नज़र डालेंगे। तो देख सकते कि न्यूज़ की बात की जाए तो रिसेंटली कोई खास न्यूज़ तो यहाँ पे सामने नहीं आ रहे, तो देख सकते कि यहाँ पे बाकी के जो डिटेल है उसके ऊपर नज़र डालेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात की जाए बेल स्टॉक की, तो देख सकते कि तकरीबन 83.70 पे ट्रेडिंग करा है, फिर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। 2.65 पैसे यानी कि 3% से ज़्यादा तेजी देखने को मिले। मीन जैसे ओपन हुआ तो स्टॉक आज एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि ऊपर 84 लेवल यहाँ पे रजिस्टर्ड एक्ट हो रही है, सुबह में भी एक्ट हो चुकी थी और रिसेंटली फिर से यहाँ पे तेजी दिखाई दे रहा है 84 लेवल के करीबन। मार्केट कैप 29,000 करोड़ की है, पी रेशियो 38 का है और डिविडेंड यील्ड 0.48% की। तो लास्ट 5 डेज की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 11% की तेजी देखने को मिले है बेल स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि रिसेंटली देखा जाए तो एक अच्छी रिकवरी फिर से होती हुई नजर आ चुके हैं। तो बाकी के जो डिटेल है जैसे कि वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 3 करोड़ 34 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल समय। ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 27,789 लाख की देखने को मिले। बाइंग के लिए 23 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है तो सेलिंग के लिए जो है 46 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है। तो देख सकते बाइंग क्वांटिटी से ज़्यादा जो है सेलिंग के क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहा है, सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है। सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन भी बात की जाए तो 22 करोड़ 61 लाख में से 98 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 37%। चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो चार्ट के ऊपर नज़र डाली जाए तो देख सकते कि इस मंथ में देखा जाए तो देख सकते कि गिरावट के बाद फिर से रिकवरी अच्छी देखने को मिली स्टॉक के अंदर और उसी के साथ यहाँ पे देख सकते फिर से ऊपर जा रहा है स्टॉक। अभी देख सकते लास्ट टाइम 84 टू 85 लेवल पे रजिस्ट्रेशन लिया था स्टॉक ने, तो 84 टू 85 लेवल को ब्रेकआउट देता है तो और ऊपर जाने के जो चांसेस है ओपन हो सकते हैं बेल स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट बेल स्टॉक के लिए।